आगे नहीं जा रहे। ये पहाड़, ये हसीन वादियाँ, ऐसा पानी सब लोगों को मिलता है, इसमें मिलता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेमस इंडियन ब्लॉगर, इंडियन ब्लॉगर को। गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट इज फेमस इंडियन ब्लॉगर। तो जैसे कि आप सबने देखा था कि कल हम ओली से गोविंद घाट गए, गोविंद घाट से फिर जोशीमठ के होटल में ठहरे। तो नाश्ता लग गया, चलो ठीक है आ रहे हैं हम। तो उसके बाद हम फिर रात को होटल में ठहरे थे। होटल का नाम क्या, ओलीडी था ना? ओलीडी। हाँ जी, ले जाओ। ओलीडी होटल था। तो अभी आपको थोड़ा सा टूर करा देंगे ओलीडी होटल का। अब हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं और सीधा निकलेंगे उसके बाद ऋषिकेश गुरुद्वारा निकलेंगे, वहीं स्टे करेंगे आज। और फिर आपको वहीं पर थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कराएंगे ऋषिकेश की मार्केट। चलो जटराज, चलो पैकिंग हो गई है, सामान देख लो, भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, दो तीन बार मेरे को थोड़ा सा भुलेका लगा है। कई एक बार लगा था मेरे को लगा वॉलेट और एक बार वॉच, पर निकलता मेरे यहीं पर ही है क्योंकि इतना सारा सामान हो रखा है, देखो कितना मैस हो रखा है। चले चलो जी, चलो ये लोकेशन है, मेन रोड पे पड़ता है एकदम पेट्रोल पंप के सामने, पेट्रोल पंप वहाँ सामने है। और वो देखो ऊपर ओली के पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आए थे दो तीन दिन क्योंकि बिल्कुल स्नो थी, पूरा फॉगी वेदर था। होटल भी बढ़िया है हमारा, चलो चले चलो। ब्रेकफास्ट करें, तीन दिन से आलू के परौंठे चल रहे हैं। ये रॉकी भाई साहब को ये भैया बड़े बढ़िया लगे हैं, तीन चार बार बोल चुके हैं, मुझे लग रहा है रॉकी भाई साहब इनको घर ही ले चलेंगे अपने। चलो हाँ बोला, चलो करें ब्रेकफास्ट। ये इनका रेस्टोरेंट भी है साथ में, ये व्यू देखो बहुत अच्छा व्यू है, ये वाला व्यू तो इतना मस्त है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि धूप वगैरह बड़ी आ रही है, व्यू देखेंगे कमाल। देखो दो एकदम काले पहाड़ है और बीच में एकदम वाइट और ऊपर स्काई ब्लू आसमान, क्या बात है। अब पूरी स्नो का पूरी नजर आ रही है ढंग से, बहुत बढ़िया खाना है। थैंक यू सर। मैं वही कह रहा था, मैं होटल बढ़िया है, ये होटल का नाम है ओलीडी। तो आप कभी भी नियर पेट्रोल पंप जोशीमठ, अगर आप कभी भी बीच में बद्रीनाथ जाना हो, हेमकुट साहब जाना हो या ओली जाना हो, स्टे करना हो बीच में, तो आप ओलीडी होटल रुक सकते हैं। खाना भी बहुत बढ़िया, सर्विस भी बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। एक बार होटल दिखा देते हैं, ये सामने पेट्रोल पंप है, क्या व्यू नजर आ रहा है, व्यू देखो एक बार। आज एकदम क्लीन हुआ है ना मौसम, साफ मौसम है, तो साफ मौसम में ऐसे पहाड़ चमकते हैं ना, जो स्नो पड़ी हो, मज़ा आया था देख के। देखो पपीज बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये होटल है, होटल ओलीडी, पार्किंग भी आराम से मिल गई थी हमारे को। ये फिर हाँ जी जी सर, चलो चलते हैं फिर अब आज की नई डेस्टिनेशन जो कि है ऋषिकेश। दिल्ली तो जा नहीं सकते, 500 किलोमीटर है, वाटरफॉल है जो कि फॉल बोलते हैं। हाँ जी, क्या बात है, देखो वाटरफॉल भी देख लिया, नहा लिया बच्चे, स्नोफॉल देख ली, वाटरफॉल देख लिया,
छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग एक आपको चीज दिखाने लगे हैं, ट्रैक करके जा रहे हैं नीचे, ट्रैकिंग चल रही है बड़ी तगड़ी, पकड़ के हाथ एकदम हाथों में हाथ, दूर है काफी, दिखाते हैं अभी आपको, अभी तो इजी है नीचे उतरना, जब ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना फिर होनी है मुश्किल है, सीधा जाना आप, हाँ उधर जाना सीधा, पहाड़ों में आए और नदी में ना उतरे ऐसा कैसे हो सकता है, काफी ऊपर से आ रहे हैं देखो कहाँ से आ रहे हैं ऊपर, कितनी ऊपर से, वो सामने से आ रहे थे। आगे नहीं जा रहे, ये देखो मजा आ गया, होप है आप सबको भी मजा आ रहा होगा। सानू 3-4 दिन हो गए ने घरों निकले हुए बाहर, दिल्ली तो निकले, अलग अलग जगह घूम रहे हैं उत्तराखंड दिया, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है उत्तराखंड घूम के, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जिन्हें भी है ने, उत्तराखंड के लोग जितने भी मिले हैं हमारे को अभी तक, उनका व्यवहार, उनकी जो कोई भी हमारे से बात करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं, मतलब कोई बिना कोई लालच के हमारी हेल्प करते हैं या बात करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके, क्योंकि मतलब उनको वो कहते हैं हम, हमारी ये भूमि है जो देव भूमि है उत्तराखंड की, तो कोई भी चीज़ हेल्प चाहिए हो, अगर हमारे को कुछ भी पूछना हो तो बड़े ही प्यार से बताते हैं हमारे को। मुझे एक स्पेशली बड़ी टच हुआ है मेरे को, मतलब दिल पे लग गई है उनकी, दिल पे मेरे को फील हुई है बात ये कि बड़ा ही प्यार दिखाया उन्होंने हमारे को, कहीं भी गए हम ऐसे ही होना चाहिए, यही दुनिया में चीज़ है, प्यार ही काम आता है। एक गल और मैं जरूर शेयर कराना, मैनू मैं अपने फैमिली से भी मिस कर रहे हैं, अपनी वाइफ, अपने छोटे से बच्चे ज्ञान को बड़ा मिस कर रहे हैं, अगर वो भी इतने होंगे बहुत इंजॉय करते, बट चलो कोई नहीं, जो तो मेरा बच्चा जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 साल बाद थोड़ा चलन वगैरह लग जाएगा, तो फिर मैं उन्होंने इतने लेके आवाँगा, कितना खुश होएगा, क्योंकि हमें बोल रहा है कोई चीज़ देख लेंगे ना, पानी 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 हमें बोल देना, बर्फ़ होती है बहुत पापा बो, तो मैं वही चीज़ याद कर रहे हैं कि अपने बच्चे को अपने परिवार को हम नेक्स्ट उन्होंने ना लावेंगे, तो उन्होंने भी इंजॉय करवावेंगे एवं देखो नेचुरल चीज़ें जड़ियाँ है, मज़ा आ जाता देख के, दिल खुश हो जाता है, काके नु भी असं इंजॉय करवा रहे हैं। दिलराज कह रहा चाचू अब कब नेक्स्ट लेके आ रहे हो मेरे को ऐसी चीज़ें, क्योंकि कहता है बड़ा मज़ा करवाया चाचू ने, क्यों दिलराज खुश है, खुश है, क्या क्या देखा तूने, सबसे बढ़िया चीज आगे हो, सबसे बढ़िया चीज क्या लगी थी भाई, रेनबो जो देखा था हमने पहाड़ियों में, रेनबो देखा था, और हमने रेनफॉल देखी थी, रेनफॉल देखी थी, स्नो देखा था, हर एक मतलब जितने मोमेंट्स, ये हमारा मतलब लगा लो अब एंड ही हो रहा है ट्रिप का, यानी कि एक दिन और है हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो यही चीज हम याद करेंगे
कि हम ऐसे गए चार पांच दिन हो गए घूमते फिरते, पता नहीं लगा टाइम का। थोड़े उदास हो रहे थे कि यार अब सब वापिस आ रहे हैं, सब वापिस जाएंगे, स्नो खत्म हो जाएगी, वही घर में। ये व्यूज मेरा लग रहा है अच्छा, सबसे अच्छा व्यू है ये, अभी ये लास्ट ही व्यू होगा, उसके बाद तो मुझे लग रहा है नॉर्मल हम बिची कैसे वगैरह पहुंच जाएंगे, तो ऐसे व्यू तो मिलने नहीं वहाँ पर, ये चीज नहीं मिलनी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन पे ये बड़ा पत्थर है। छोटी बॉय वाला कोई नहीं, जो सब्सक्राइब कर रहा है ना करो, चलो व्यूज देखो, दिल की खुशी लो अपनी, ना करो ब्लॉग एंजॉय करो, एंजॉय करो ब्लॉग, एंजॉय हमने आप सब्सक्राइब के लिए बनाना नहीं ब्लॉग, एंजॉय एंजॉय करो, हम एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी एंजॉय करवा रहे हैं, करो एंजॉय, मजा करो। चाल भाई हूँ असि श्रीनगर, सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह गए श्रीनगर पहुँचने वाले हैं, तो ऋषिकेश तो मेरे लगता नहीं आज पहुँचा जाएगा क्योंकि रात हो गई है, तो साड़ी हम पहाड़ा से हम गाड़ी चलावेंगे नहीं, रिस्क लेना नहीं है क्योंकि बच्चा छोटा साढ़े नाल है, असं फिर इदा करा श्रीनगर ही रुकेंगे जितने अज भी इस बार भी वापसी च भी, पहले भी श्रीनगर ही रुके से, असं श्रीनगर रुके से ना, हाँ जी, तो ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੀਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਾਣੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ। ਹਰਮਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਅਮਨਦੀਪ। ਅਮਨਦੀਪ तो आज फिर हम वापस उसी रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम डिनर किया था, फूड कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर खाना बड़ा डिलीशियस था, तो हम दोबारा यहीं पर आ गए हैं, वही टाइम है, सेम 10 बज रहे रात के, सेम थिंग्स। वापसी में सर उसी जगह आना ज़रूरी था क्योंकि एक जगह जहाँ से खा लो ना टेस्ट बढ़िया हो तो फिर वहीं पर आना चाहिए। तो मस्त है, मस्त है। तो अब हमारा प्लान यही है कि अब हम रात को यहीं स्टे करेंगे, उसके बाद कल हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, हमारा लास्ट डे कल होगा ट्रिप का। अभी पता क्या हुआ, अभी एक बंदे ने हमें लालच दिया है, बॉडी में बर्फ पड़ रही है, कहता यहाँ से 30 किलोमीटर है, कहता वहाँ चले जाओ वहाँ बर्फ पड़ रही है, पौड़ी, पौड़ी नाम है अभी, पौड़ी उतरा, श्रीनगर से पौड़ी जो कह रहा है सिर्फ 30 किलोमीटर है, वहाँ चले जाओ बर्फ पड़ रही है, और हमारे मन लालच लालच से भर गया दोबारा कि फिर दोबारा स्नोफॉल देखने चले, चलना चला स्नोफॉल देखने दोबारा। और अभी यहाँ पर टेम्परेचर 12 है और वहाँ पर 3 है, 60 मिनट का रास्ता नहीं 30 किलोमीटर बता रहा था ना, मतलब नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे श्रीनगर में, बड़ी देखने वाली क्योंकि रात लेट हो गए हैं, गाड़ी स्लिप होती है, हम नहीं जा सकते, बच्चा है और थोड़ा छोटा। अब हम डिनर करने लगे हैं, ऑर्डर तो करो यार, 5 मिनट हो गए बैठे हुए भैया, ऑर्डर तो ले लो। हेलो ऑर्डर ले लो, 5 मिनट हो गए बैठे बैठे, ले जा रहे हैं हम। तो हम इसी के साथ अब आज का व्लॉग एंड करते हैं, हेक्टिक व्लॉग आज का भी, हेक्टिक हमारा ट्रैवल रहा, आप सोच रहे होंगे आज ज्यादा सफर नहीं करा, आज सोच रहे होंगे मेरी स्वेटशर्ट आज मैंने येलो पहनी हुई थी और ये कैसे हो गई, ये एक राज है तो हम बताएंगे नहीं। ठीक है, मैंने बदल ली थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने चेंज कर ली थी अपनी स्वेटशर्ट। तो अब हम इसी के साथ आप इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप करो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
और सब्सक्राइब करो। चलो इस बच्चे की बात मान लेना, हमारी नहीं इसकी मान लेना। सब्सक्राइब करो फेमस इंडियन ब्लॉगर चैनल को। तब तक के लिए अलविदा, बाय।